Oh my God, he's nice! What's new? Yes! Assalamu alaikum, welcome to our new video. आज मलबैक के हम देखने वाले हैं स्लैप कंपटीशन. तैयार हैं? स्लैप कंपटीशन यानी कि थप्पड़ों का मुकाबला. जी हाँ, ये रशिया में होता है जहां पे कंपेटिटर्स आते हैं. कुछ रूल्स सेट किए जाते हैं, उन रूल्स में रहते हुए आप एक दूसरे को थप्पड़ मारते हैं, रपटे कराते हैं. वेल, अनफॉर्चुनेटली रशियन लैंग्वेज तो मुझे नहीं आती, लेकिन जितना मैं समझ सका हूं मैं आपको समझा देता हूं. इसके कुछ रूल्स हैं. रूल नंबर वन ये है कि थप्पड़ ही मारना है, मुक्का नहीं मारना. थप्पड़, यस, प्रॉपर थप्पड़. और वो थप्पड़ जो है वो गाल पे लगना चाहिए, गलते एथे ए, ए. कान पे नहीं लगना चाहिए, गर्दन पे नहीं लगना चाहिए, बैक ऑफ द हेड नहीं लगना चाहिए. तीसरा और आखिरी रूल जो मैं समझाऊं वो ये है कि आप अपनी फिक्स पोजीशन जो आपको दी गई है वहीं से आपने मेजर करके थप्पड़ रसीद कर देना है. तो जितना हम समझ सके हैं उसी समझ को अपने पास रखते हुए वीडियो को देखते हैं. लेट्स डू दिस. ऑलराइट जी, वीडियो आ गई हमारे सामने, देखते हैं कि ये क्या चीज है. ओ माय गॉड. अच्छा जी, सच अ स्केरी पर्सन. वाओ, ये मुकाबला बहुत सख्त होने वाला है. जिसामत के हिसाब से दोनों बराबर हैं. डार्क डूड, ब्लैक वाले जो हैं वो मुझे ज्यादा स्केरी लग रहे हैं, बट देखते हैं क्या होता है. हियर वी गो. अच्छा जी, मेजर कर लिया इसने. ओ नाइस. एक्सप्रेशन चेक किया उसका कि यार कुछ नहीं होता. वाओ, गुड स्टार्ट. हियर वी गो जी, इनकी बारी है. ओके. इस वीडियो में बहुत ओ होने वाला है क्योंकि ये रिएक्शन, ये थप्पड़ पड़ उसको रहा है लेकिन महसूस मैं यहां पे कर रहा हूं. दोनों इस वक्त अपनी जगह पे तगड़े खड़े में. ओके सपोर्टर्स. दिस इज स्केरी यार, मतलब ये तो बहुत खतरनाक है. ये इसको कुछ हुआ है मेरे ख्याल से, इसको कान पे लगा. जी हाँ, बट ही सेइंग यस, नो प्रॉब्लम्स, लेट्स डू दिस. इसने हार नहीं मानी है. उई, किंग कॉन्ग का बच्चा. उफ बेटे, अब तू गया, हूँ तू नहीं रहना. आओ जी, आओ जी, आओ. ओ गॉड, उफ, आपने चेक किया कितने तहमुल से ये कर रहा था ये, लेकिन जो वो थप्पड़ मार रहा है ना जिस फोर्स से, ओ भाई ये तो बहुत खतरनाक है. मैं UFC MMA बहुत देखता हूं और वो बड़ा पेनफुल है, लोग उसको पेनफुल कहते हैं. इसके मुकाबले में वो कुछ भी नहीं है. ये जो फीलिंग है थप्पड़, आप यानी ही इज अ चैंपियन, ये दोनों चैंपियन है. थप्पड़े कई दफा खा चुके हैं लेकिन थप्पड़ पड़ने से पहले वो जो प्रोसेस है कि जब आपका हाथ आ रहा है वो जो एक खास अंदर से होती है कि लग जा, वो आप चेक करें. भले आप कितने बड़े पहलवान हैं, एक रिच का बच्चा लग रहा है मुझे, एक वो संडा टाइप है. मुकाबला बराबर का है, इसमें कोई शक नहीं. आगे देखते हैं. अच्छा, ये चेक कर रहे हैं कि कान पे नहीं लगा. स्पिरिट सुंगाया जा रहा है क्योंकि ये थप्पड़ पड़ता है तो ये नॉकआउट पंच होता है जरा होश में लाने के लिए. हियर वी गो. क्राउड का रिएक्शन देखें, उनका भी वही हाल है जो मेरा है. ओके, लगी उस्ताद, इसको लगी है. ही फेल्ट इट. भले वो रिएक्ट कर रहा है आगे से कि नो प्रॉब्लम्स, बट ही फेल्ट इट. ओके, हियर वी गो. ये मेरे ख्याल से ये दो चैंपियंस का मुकाबला हम देख रहे हैं. इससे पहले भी कुछ राउंड्स हुए होंगे. नाइस, वेरी नाइस. वो कह रहा है उसको ये एक दूसरे को संभाल रहे हैं. बेटे ज्यादा तो नहीं लग गया, इसे संडे दिया बचिया. हो माय गॉड, आई एम लविंग दिस बाय द वे, सीरियसली. चेक किया आपने कैसा ये है. हियर वी गो जी, हियर वी गो, संडे की बारी है. बिल्ड अप. आप थप्पड़ खाने के बाद का रिएक्शन चेक करें उनका, दोनों का. ये दोनों कोई बड़े चैंपियन है, कोई हार मानने को तैयार नहीं है. मतलब बोथ ऑफ देम आर ऑन द वर्ज. वो नहीं होता कि
अब हारे, लेकिन नहीं, दोनों सख्त मुकाबले के लिए वहां पे खड़े हुए। अच्छा जी, ये चेकअप हो रहा है, आंखों को चेक किया जा रहा है, लेकिन ये किंग कॉन्ग का बच्चा कह रहा है नो 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 नॉट एट ऑल, आई एम गुड टू गो। स्पोर्ट्समैनशिप स्पिरिट अभी भी जिंदा है। ओ ओ यार, दिस थिंग इज अल्टीमेट, अल्टीमेट। हुकूमत पाकिस्तान से गुजारिश है, खुदारा ये कंपटीशन पाकिस्तान में भी होना चाहिए, लाजमी है। हमारे यहाँ आपने देखा होगा कि कबड्डी जो हमारा खेल है उसमें बाज़ औक़ात हमारे जो कबड्डी करने वाले होते हैं, जो पहलवान होते हैं, वो एक्साइटेड हो जाते हैं और वो थप्पड़ पे थप्पड़ थप्पड़ पे। लेकिन ये जो है ना, बड़ी ऑर्गेनाइज्ड, बड़े तरीके से कि बेटे आजा मेरे सामने खड़े हो जा, अब मैं बताता हूं तुम्हें, है दम तो खड़े रहो। दिस शुड बी इंट्रोड्यूस इन पाकिस्तान बाय द वे। और इस तरह का हम कुछ सोचते हैं, कोई मुहिम चलाते हैं, आगे देखते हैं कि जीतता कौन है। स्पोर्ट्समैन स्पिरिट दोनों में, चेक किया किंग कॉन्ग के बचना, ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, इज गाइस कुछ नहीं हुआ, यस, भाई ये किंग कॉन्ग, आई थिंक मैं किंग कॉन्ग को फेवर कर रहा हूं, मुझे लग रहा है ये किंग कॉन्ग जो है वो जीतेगा। ओ उसका मेजरमेंट ले रहा है उस पे, यार कम ऑन, दिस इज एक्साइटिंग, यस बेटे तेरी जान गई, अब तू गया, हियर वी गो, ओ यस, आगे भी बहुत तगड़ा है, बहुत तगड़ा है ये संडा, बहुत तगड़ा है, इसको आप हल्का ना लें, इसमें बड़ा बर्दाश्त की बड़ी ताकत है। साइज वाइज दोनों बराबर हैं इन टर्म्स ऑफ वेट प्रोबेबली, लेकिन वो थोड़ा लंबा है द किंग कॉन्ग जो है, जो हमारे इस तरफ जो वाइट टी शर्ट में है, लेकिन मुकाबला टक्कर का चल रहा है इस वक्त, दोनों बराबर हैं। ये क्या हुआ है? अच्छा तो दोनों का मुकाबला बराबर हो गया है और पैसे जो है वो स्प्लिट किए गए हैं कि आप भी इतने रख लें, आप इतने रख लें, आधे आधे, यानी ये दोनों चैंपियंस हैं। वाओ वाओ, दाद देनी पड़ेगी हमारे सियासतदानों को, ये खेल जो है वो शुरू करना चाहिए। ऑलराइट जी, ये था स्लैप कंपटीशन, आपने देखा दो पहलवान, टक्कर के पहलवान कहना चाहिए, बराबर के, दोनों ने हार नहीं मानी। यकीन करें इनका मुझे नहीं पता, लेकिन ये सिर्फ देखने के बाद मेरे गालों में दर्द हो रहा है, लिटरली मुझे पेन यहां फील हो रहा है, यहां मेरे कान वगैरह सब फट चुके हैं सिर्फ ये देखने के बाद। एनीवेज, थैंक यू सो मच, आपने देखा। अगर आप चाहते हैं कि हम मजीद किसी वीडियो पे, आपके पास कोई इंटरेस्टिंग सी वीडियो है उस पे रिएक्ट करें, तो प्लीज़ हमें वीडियो भेज दें। और व्हाट्सएप नंबर यहीं कहीं आ रहा होगा, ये वो व्हाट्सएप नंबर है जहां पे आप हमें अपना फीडबैक भेज सकते हैं। कॉल्स मत कीजिएगा क्योंकि कॉल पिक नहीं होगी, ये आपके साथ मैं थ्रू जो है व्हाट्सएप इंटरेक्ट करूँगा। जहां जहां ये वीडियो देखी जा रही है, जिस मुल्क में भी आप देख रहे हैं, इस व्हाट्सएप नंबर पे अपना मेलिंग एड्रेस भेज दें, प्लीज़ अभी के अभी भेज दें, व्हाट्सएप नंबर कहीं ना कहीं लाजमी आ रहा होगा, ताकि हमारा एक ज़रा कनेक्शन और स्ट्रांग हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस, और मजीद कॉन्टेंट आ रहा है। आई शेल सी यू सून, टेक गुड केयर ऑफ योर सेल्फ एंड योर फैमिली, बाय बाय, अल्लाह हाफिज।